दिनांक 24 सितंबर को सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने की एवं किसान विरोधी विधेयक को रद्द करने की मांग करते हुए उपविभागीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भीम आर्मी ने सौंपा है। समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सदियों से सामाजिक बहिष्कार एवं शोषण के शिकार रहे वंचित समुदाय के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मगर अफसोस कि संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी किसी भी विभाग में इन वर्गों के निर्धारित आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया। जिन जिन उपक्रमों, संस्थानों, विभागों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां इन वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य है, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। बहरहाल हर एक निजीकरण आरक्षण पर प्रत्यक्षतः हमले के रूप में देखा जाना चाहिए। वर्तमान के केंद्र सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश के कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लोग लगभग बर्बादी की कगार पर खड़े हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने उद्योगपति के हवाले रेलवे, बैंक, LIC, ONGC एवं अन्य सभी संस्थानों का निजीकरण करके पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने में व्यस्त है। दिन प्रतिदिन देश की संवैधानिक व्यवस्था खतरे में होती नजर आ रही है। इस क्रम में सबसे ज्यादा हमला शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुआ है, क्योंकि गरीब, शोषित, वंचित समाज को एक उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही, वह दिन दूर नहीं जब शासन, प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में शोषित वंचित समुदाय की भागीदारी शून्य हो जाएगी और मुट्ठी भर तबके के हाथ में देश की बागडोर होगी। निजीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए हो रही है। अन्य क्षेत्र में भी यही हाल है, कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति। यह खुले तौर पर सरासर शिक्षा व्यवस्था पर हमला है। पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ युवा में गुस्सा है, आक्रोश है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपदा के दौर में किसानों की मदद करने के बजाय सरकार द्वारा किसान विरोधी विधेयकों के बगैर किसी चर्चा के पास किया जाना सत्ता के निरंकुशता का प्रमाण है। युवाओं की हकमारी करके पूंजीपतियों के इशारों पर निजीकरण को बढ़ावा देना सरकार के शिक्षा विरोधी चरित्र को दर्शाता है। निजीकरण देश के छात्रों, युवाओं के संघर्ष पर है, इसे खत्म होना चाहिए। ज्ञापन देते हुए भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष अश्विन तावाड़े, सुरेश गायकवाड़, राजू भगत, रवि कांबड़े, स्नेहल रामटेके, गोलू सोगे, सोनियार भगत, वीरेंद्र दुर्गे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। NVCN न्यूज़ के लिए हिंगन घाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।